राहुल ने बताया कैसे बीजेपी का झारखंड में सरकार गिराने का प्लान किया फेल। बीजेपी का काम केवल सरकार गिराना और अडानी का काम करना। झारखंड में बीजेपी के इशारे पर चल रहा था सरकार गिराने का खेल। इंडिया गठबंधन की मजबूती ने बिगाड़ दिया बीजेपी का पूरा प्लान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। राहुल गांधी सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वैद्यनाथ धाम में उन्होंने रुद्राभिषेक किया। राहुल गांधी के वैद्यनाथ धाम पहुंचने का असर यहां के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भी नजर आया। अब तक राहुल को गंभीर नेता नहीं मानने वाले निशिकांत डरे डरे दिखाई दिए। राहुल को देखने के लिए यहां जबरदस्त भीड़ जुटी थी। यह भीड़ अगर वोट में बदली तो दुबे सांसद से पूर्व सांसद बन जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ गए हैं। 40 दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में ये तो साफ माना जा रहा है कि चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा का असर बना रहेगा। वैद्यनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी गुलाबी धोती और माथे पर चंदन लगाए नजर आए। राहुल देवघर से धनबाद पहुंचे। रात में यात्रा धनबाद में रुकी। राहुल का मंदिर जाना बीजेपी को मुश्किल में फंसाता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान झारखंड में ऑपरेशन लोटस को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर उस सरकार को तोड़ने और अस्थिर करने की कोशिश की जिसे झारखंड के लोगों ने चुना था। हालांकि इंडिया ने बीजेपी की साजिश को सफल होने नहीं दिया। बीजेपी के पास मनी पावर और जांच एजेंसियां हैं, लेकिन कांग्रेस उनसे डरती नहीं है। बीजेपी की फूट डालने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती रहेगी। जो लोग दबाव में बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, ऐसे में लोग पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। अगर कोई रह गया है तो उसे भी हम रोकेंगे नहीं। हमारी लड़ाई ईमानदारी और सच्चाई के लिए है। बीजेपी ने हमारी कई राज्य सरकार तोड़ने की कोशिश की। झारखंड में ही ऐसी कोशिश हुई और अभी भी चल रही है, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। राहुल गांधी ने सुबह अपनी यात्रा गोड्डा से शुरू की थी। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरबपतियों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के लोगों के दिल में भरी नफरत और डर के खिलाफ है। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। ये लोग एक जाति को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से और आदिवासियों को गैर आदिवासियों से लड़ा रहे हैं। इसी नफरत के खिलाफ हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर सबको जोड़ने और मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अरबपतियों का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं हो सकता। कांग्रेस की सरकार में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ हुआ था। बीजेपी की सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के हक के बारे में ही सोचती है। उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का कर्ज दिया जाता है और वो उसे लेकर आसानी से देश से भाग निकलते हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष की सरकार को काम नहीं करने दे रही है। झारखंड में राहुल गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के सभी दल दिखाई दे रहे हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राहुल गांधी का स्वागत किया और साफ कर दिया कि राहुल गांधी जिस मिशन पर निकले हुए हैं उसमें जेएमएम भी उनके साथ है। राहुल झारखंड में न्याय यात्रा के लिए 8 दिन रहेंगे और 13 जिलों में सफर करेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और इसका असर चुनाव पर पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया कर दिया है, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार बीजेपी का पूर्वी भारत से सफाया कर देगी। लोकसभा चुनाव में पूर्व और दक्षिण भारत में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाएगा। फिलहाल यात्रा झारखंड के बाद ओडिशा जाएगी। यहां पर भी कांग्रेस ने यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।